हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ऑडियो लेक्चर लेके। हम लोग इसमें कर रहे थे मध्य प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य, जिसका आज पार्ट टू करेंगे। पार्ट हम कर चुके थे, पार्ट वन में हमने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौहयुगीन संस्कृति, महापाषाण काल और वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के बारे में जाना था। और प्राचीन जनपदों को अब नवीन किस नाम से जाना जाता है, ये सब हमने इसमें लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कि पार्ट वन था। उसको आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर विजिट कीजिए। उसमें काफ़ी वन लाइनर सीरीज़, जीएस पेपर वन, यूपीपीएससी का जीएस पेपर फोर और भी ऐसी सीरीज चल रही हैं जो आपके बहुत ही काम की हो सकती हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान का लेक्चर चल रहा है, इसमें जो मैंने इसका पहला पार्ट सामान्य ज्ञान, जो कि सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का, उसमें दिया था। उसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का कॉमन क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, सबसे पहला कौन है मध्य प्रदेश में, देश में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर प्रथम है, कौन से वे द्वितीय है, ये सारा मैंने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो आप वो लेक्चर भी हमारा प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। तो आज हम ऐतिहासिक परिदृश्य करेंगे पार्ट टू। इसमें मैं पहले ही बता दूं आपको क्या क्या पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे वैदिक युग तक हम पहले ही पढ़ चुके थे, उसके बाद का हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल, शुंग कर्ण वंश या शुंग कर्ण जो काल था वो, उसके बारे में पढ़ेंगे और सांची के स्तूप के बारे में जानेंगे, कुषाण काल के बारे में जानेंगे जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था, और सातवाहन काल के बारे में जानेंगे। इन सब कालों के बारे में स्पेशली हम सिर्फ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इन सब जो हमारे पास साम्राज्य थे, ये सब जो थे, इसमें क्या क्या नए इनोवेशन हुए, क्या क्या मेन चीज़ें जो मध्य प्रदेश के संबंध में इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वो देखेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अगर आपने ये सारे ऑडियो लेक्चर अच्छे से सुन लिए, समझ लिए और अपने दिमाग में बिठा लिए, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एमपीपीएससी प्री में कि आप मिस कर जाएं, आप सब कुछ उसमें से कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य मध्य प्रदेश में पार्ट टू। इसमें हम देखेंगे महाजनपद काल। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो चेदी वंश और एक यहाँ पर अवंती, जो कि ये दोनों मेनली मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश ये पूरा हमारा ये एरिया ऑलमोस्ट आ जाता है मध्य प्रदेश का। तो ये दो जो वंश है ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में थे, बाकी ये 16 महाजनपद जो टोटल थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आपको हिस्ट्री के लेक्चर में देख रहे होंगे तो यहाँ आप पूरा देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ कंबोज है, कुरु है और कोलीय है, शाक्य है, वज्जी है, ये सब आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। तो हम जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ दो वंश पढ़ेंगे, चेदी और अवंती। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और पुराणों में। और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो मैंने अभी बताया, चेदी और अवंती दो वंश जो जनपद थे वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ भूखंड में विस्तारित था, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अवंती जनपद लगभग उज्जैन प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से मिलकर बना था, ये आप देख सकते हैं, इस एरिया में उज्जैन और उसके आसपास के सारे क्षेत्र आएंगे। यह प्रदेश वेत्रावती नदी, जिसे वर्तमान में बेतवा नदी कहा जाता है, द्वारा उत्तर तथा दक्षिण दो प्रांतों में विभाजित था। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती कहलाती थी। उज्जैनी तथा महिष्मती दोनों ही नगर दक्षिणापथ पर स्थित थे, मतलब कि दक्षिण से आने जाने का रास्ता उस पर डिपेंड करता था। आगे इसके बारे में है, इसी मार्ग पर विदिशा, जिसे पहले दशाण कहा जाता था, नगरी भी स्थित थी। महाभारत एवं मेघदूत ग्रंथों में दशाण प्रदेश का उल्लेख आया है, जिसकी राजधानी विदिशा थी।
अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हो जाती हैं, चेदी महावंश का बहुत ज़्यादा यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, मेनली इम्पॉर्टेंट अवंती है और कई बार क्वेश्चन आया है अवंती और उज्जैनी के बारे में, तो ये आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मौर्य काल के बारे में। आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य कितना फैला हुआ था। यहाँ पर आप उज्जैन के बारे में भी ये देख सकते हैं, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था। आगे इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। मौर्य काल जो कि था 323 से 187 ईसा पूर्व का पीरियड था मौर्य काल का। मौर्य काल में अवंती प्रदेश का कुमारमात्य महान अशोक था। आपको पता होगा कि अशोक सबसे महान राजा था मौर्य काल का, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अशोक के पिता का नाम क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट नाम था अशोक के पिता का, वो भी एक मौर्य साम्राज्य का बहुत महान शासक था। सिहली परंपराओं से ज्ञात होता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुके थे, जहां उसने एक श्रेष्ठि की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है लर्न करने के लिए। महाबोधि वंश में श्रीदेवी का नाम वैदिश महादेवी मिलता है तथा इसे शाक्य जाति का बताया गया है। इसी ने अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था श्रीदेवी के द्वारा। सांची विदिशा उज्जैनी अशोक के राजनैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रमुख केंद्र थे। मौर्यकालीन पंचमार्क आहत सिक्के मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त होते हैं। भारत में मौर्य काल के अंतिम चरण में अनेक जनपद तथा राज्य नगर स्थापित हो गए थे। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 7 नगर या राज्य स्थापित हुए थे। ये नगर थे एरण, त्रिपुरी, भागल, महिष्मति, उज्जैनी, विदिशा और पद्मावती। एरण नगर राज्य में सिक्कों पर एरकर्ण लेख मिलता है, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। विदिशा के नगर राज्य के सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षर में वेदस तथा वैदिश शब्द उत्कीर्ण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भागल नामक राज्य का पता भी सिक्कों से ही चला है। ये सिक्के होशंगाबाद जिले के जमुनिया नामक गाँव से मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मौर्य काल के बारे में। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में स्थित जो अशोक के शिलालेख मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये एग्ज़ाम में हर दूसरे साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये 5 जो शिलालेख मिले हैं मध्य प्रदेश से, उनके स्थानों के नाम मैं बता देती हूँ। जैसे कि अशोक का एक गुर्जरा अभिलेख है, शिलालेख है, वो मिला है दतिया से। रूपनाथ का मिला है सीहोर से, जो कि जबलपुर में है। पानगुड़िया ये मिला है सीहोर से, इसे पानगुड़ारिया भी बोलते हैं और पानगुड़िया भी बोलते हैं। ये नाम अलग अलग जगह डिफरेंट दिया गया है। ये सीहोर से मिला है। सारोमारा मिला है सीहोर से। तो 3 चीज़ें तो सीहोर से ही मिली हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सांची याद कर लीजिए, रायसेन से मिला है, सांची का शिलालेख रायसेन से, और गुर्जरा का दतिया से। बाकी जितने भी शिलालेख हैं, रूपनाथ, पानगुड़ारिया और सारोमारा, ये सारा मिला है सीहोर से। अब मैं छोटा सा ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में कई स्थानों से छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं जो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यहाँ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ये स्थान है कसरावत, आरंग, खरवई, कारितलाई तथा रामगढ़। ये 5 जगह हैं जहाँ से मौर्यकालीन छोटे छोटे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये मौर्य काल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुंग कर्ण वंश की, जो कि 184 से 72 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व हमेशा नेगेटिव में चलता है और ईसवी हमेशा पॉजिटिव में चलती है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईसवी चलती है, और जो ईसा पूर्व होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो हम इस वंश के बारे में बात करते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाट्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने
विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार अपने मित्र माधव सेन को सौंपा था। हर्षचरित्र तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर 184 से 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति था। वसुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की थी। अब उस तुंगकालीन बहुत सारे ऐसे स्मारक बने हैं, ऐसी प्रभूतियां बनी हुई हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि गरुण स्तंभ, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला में यवन नरेश एंटियालकिट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा के निकट बेसनगर जिसे भिलसा भी कहा जाता था में गरुण स्तंभ की स्थापना की। ये जो आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये है गरुण स्तंभ जो कि बेसनगर भिलसा में स्थित है और इसकी स्थापना की थी हेलियोडोरस ने जो कि यवन नरेश का राजदूत था। नेक्स्ट शुंगकालीन कलाकृतियां के बारे में बात करते हैं तो ये बात करते हैं भरहूत स्तूप की। सतना जिले में स्थित भरहूत का स्तूप मूलतः अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। ये जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। शुंगकाल में इसकी चार दीवारी तथा तोरण का निर्माण किया गया था। चार दीवारी और तोरण जो बना है इस स्तूप का, ये स्तूप है, इसका जो निर्माण है शुंगकाल में किया गया था। जैसे कि परिवेष्टनी के भाग पर उत्कीर्ण सुगन रजे लेख से पता चलता है इसके अवशेष आज अपने मूल स्थान पर नहीं है, परंतु इसकी वेष्टनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहालय में संरक्षित है। 1875 ईस्वी में कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी 1875 ईस्वी में। ऐसी हम बात कर लेते हैं सांची की, और जो कि जिसे काकनाबोट भी कहा जाता है वहां पे स्थित है। सर्वप्रथम जनरल टेलर ने 1858 में यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। यहाँ पर 3 स्तूप प्राप्त होते हैं जिसमें एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप हैं। मौर्य सम्राट अशोक के समय इस महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से किया गया था। इसके चारों ओर कास्ट की वेदिका बनी थी। अशोक का संघ भेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से प्राप्त होता है, सांची से। चलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश से नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो काल हम देखेंगे ये करेंगे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। भेड़ाघाट व सांची से कनिष्क संवत 28 का एक लेख मिलता है। यह एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भार्शिव नाग वंश के कुषाणों का स्थान लिया भार्शिव ने, जिसकी राजधानी पद्मावती थी। बस कुषाणों के बारे में इतना ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सातवाहन काल की। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये सातवाहन काल का एम्पायर है यहाँ पर। तो इसके थोड़े बहुत फैक्ट जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, यहाँ पर उज्जैन आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बना हुआ है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं जो एमपी से रिलेटेड है, तो ये मैं इसके बारे में बता देती हूँ। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर खुदे हुए एक लेख से सातकर्णी के पूर्वी मालवे क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। जो पूर्वी मालवा क्षेत्र था उस पर अधिकार था, ये वाला हिस्सा उस पर सातवाहन अंपायर का अधिकार था, ये अभिलेख से पता चलता है। उज्जैन से प्राप्त सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी की इस बात को और पुष्ट करते हैं कि उसके शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक था। मध्य प्रदेश के बेसनगर से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो आपको सातवाहन काल के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पता चल गया। बहुत ज़्यादा इस वंश के बारे में नहीं है, छोटी बहुत चीज़ें हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। वैसे तो ये वंश जहाँ फैला था वहाँ इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत स्मारक इन्होंने बनवाए, बहुत
कलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें करवाई, लेकिन जो मध्य प्रदेश के संबंध में फैक्ट थे वो सिर्फ इतने ही थे। सिर्फ इतना ही आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा एमपी में नहीं पूछा जाता है। तो होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम गुप्त काल और उसके आगे के काल के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने मध्य प्रदेश पे शासन किया और कैसे कैसे मध्य प्रदेश के शासन में चेंजेस आए, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।